हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की नई वीडियो में। देखिए, जो आप आगे वीडियो देखेंगे वो एक हमने आज ब्लॉग शूट किया है और ब्लॉग हमने दो मेडिकल कॉलेजेस जाकर के विजिट किए हैं। हालांकि आज संडे था तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन कौन कौन से मेडिकल कॉलेज? एक तो मैं सिर्फ बांके बिहारी डेंटल कॉलेज में विजिट किया और एक हमने रामा कॉलेज विजिट किया, जिसमें कि जो बांके बिहारी डेंटल कॉलेज था उसमें वो बीडीएस के लिए और वो पीजी कॉलेज भी, आप उसमें आगे पीजी भी कर सकते हैं। और रामा में जाएंगे तो रामा में एमबीबीएस के लिए आप कर सकते हाँ, हैं। उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है और काफी हमने चीजें कैप्चर की जितनी मैक्सिमम हो सकती थी। तो आप जाकर के व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए और बताइए। एंजॉय दिस व्लॉग। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। देखिए, आज के व्लॉग में हम गए थे दो मेडिकल कॉलेजेस में विजिट के लिए। जैसा कि आपको पता है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हमने सोचा कुछ बच्चों को इंट्रैक्शन करा दे, कुछ मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जान ले। और हमने पहला विजिट करा श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज, जिसमें बीडीएस बहुत बढ़िया होती है, जिसमें हमने अंदर गए पहले, मतलब संडे था तो बच्चों का इंट्रैक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम एडमिशन सेल के पास पहुंचे तो वहां पर जो हमें भैया मिले थे, उन्होंने हमें एडमिशन वाली, उन्होंने काउंसलिंग की, जो यहाँ पर एचआर मैम है उनसे मिलवाया। उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, फॉर्म में हमने अपनी बेसिक डिटेल्स भरी। और बेसिक डिटेल्स भरने के बाद हमने मैम से इंटरेक्शन करा और मैम ने हमें सारा फीस स्ट्रक्चर बता दिया। और टोटल फीस उन्होंने 2.5 लाख रुपए बताई। और उसके बाद मतलब जो पूरा ऑल ओवर था वो 10 लाख था, पर मैम ने ये बोला कि आप चाहें तो मतलब सीट बुक कर लीजिए, 30-35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में दे दीजिए, जिससे आपकी फीस कुछ कम हो जाएगी, वो टोटल खर्चा 9 लाख का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से फीस कम हो जाती है और ऑल ओवर जो है श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज में अच्छा पेशेंट फ्लो है। अगर आप बीडीएस के लिए सोच रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो ये अच्छा है। और दूसरा जो कॉलेज है, हमने रामा मेडिकल कॉलेज विजिट किया जो आपको वीडियो में आगे दिख रहा है। और हम रामा कॉलेज में हमने एंट्री ले ली। और ये भी एक एमबीबीएस के लिए कॉलेज है, जिसका श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज था, ये एक एमबीबीएस के लिए कॉलेज है। और ये बस संडे था तो अकेडमी भी हम फ्लो नहीं कर पाए, हम पर रूल तोड़ कर हम अंदर घुस गए। और हमने आगे देखा कि ये सब इसका मतलब बढ़िया है सब, देखो आप भी वीडियो में। और यहाँ पर हमने पार्क में देखे कई सारे, हमें स्टूडेंट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, लेकिन हम वीडियो नहीं ले पाए। देखे सामने एमबीबीएस का एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्पिटल, हमें यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स मिले। हमने उनसे फीस वगैरह पूछा तो उन्होंने बताया 13 से 14 लाख रुपए यहाँ पर एनम की जो फीस है वो बन जाती है। तो हमने फिर स्कूटी खड़ी करके हमने सोचा एक बार एकेडमिक ब्लॉक घूम ही लेते हैं। जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये हॉस्पिटल है। और हम हॉस्पिटल के अंदर घुसने के बाद हमारी थोड़ी चेकिंग हुई, और उसके बाद हम थर्ड फ्लोर पर, मैंने मतलब पूछा था भैया उनसे उनसे, फिर हम थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगे। हमने देखा कि यहाँ पे लिफ्ट है तो लिफ्ट से हमने प्रयोग करा। और यहाँ पे कपिल कपिल भाई भाई, हमारे दिखते हुए आपको, कपिल भाई द व्लॉगर, ज्यादातर हमारी वीडियो इन्होंने शूट की है। देखिए यहाँ पर लिफ्ट के पास हम खड़े हो गए हैं। वैसे तो हमें पता था संडे है, बंद है, लेकिन हमने हॉस्पिटल फिर भी विजिट किया और हम डिस्कस करते हुए यहाँ पर ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो हमें काफी अच्छा पेशेंट फ्लो देखने को मिला। और फिर हमने लिफ्ट में एंट्री मार दी, जिसके कारण पर हमने लिफ्ट में देखा यार यहाँ तो पंखे नहीं चल रहे, मतलब जो एसी लगा रहता है इसमें नहीं लगे, ये पेशेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। फिर हमने लगे तो ऊपर, थे देखिए, पर चल नहीं रहे थे, पेशेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। और यहाँ पर आपको सामने एकेडमिक ब्लॉक दिख रहा है, थर्ड फ्लोर है ये, और जो कि सभी जगह ताले हमें लग रहे हैं। देखिए तो हमने बाय बाय कर दिया कॉलेज को, रूल तोड़ करके ऊपर गए पर हमें हाथ कुछ नहीं लगा। फिर हम कुछ नहीं तो हम वापसी जाने लगे यार, क्या ही कर सकते हैं जब कुछ मिला ही नहीं जाता, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली वो पर बेस्ट थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और व्लॉग देख के आपको सही लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कॉलेज की फीस के रिलेटेड या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम ज्यादातर आपका रिप्लाई ही देंगे। पूरी ओके, ऑथेंटिकेटेड नॉलेज और आपको सही रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, शेयर।